أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى وتهبني الدرجات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं हम उसकी तारीफ़ करते हैं और उससे मदद और माफी तलब करते हैं हम पनाह मांगते हैं अल्लाह अल-अज़ल की ख़ुद की बुराइयों से और तमाम बुरे कामों से जिसे भी अल्लाह की हिदायत मिले उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता और जिसे अल्लाह ने गुमराह किया उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता हम गवाही देते हैं कि इबादत का हकदार सिर्फ़ अल्लाह है और कोई इसका शर्क नहीं है और गवाही देते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बंदे और रसूल हैं और अल्लाह अपनी सलामती भेजे अपने आखिरी नबी पर और उनके अहल आयाल पर और उनके सहाबा पर जो भी हक़ मैं आप लोगों के सामने पेश करूं वो अल्लाह ताला की तरफ से है और अगर मुझसे ग़लती या कोताही हो जाए तो मेरी तरफ़ से और शैतान की तरफ़ से हो और बशर सदरी वसली अमरी वाहलतम मिलिसानी अलैकुम व असलकुम व वबरकू इस पारे का आगाज़ सूर्कबूत की फोर्टी फाइव आयत से है जिसमें अल्लाह ताला ने इस कुरान के ख़ूबी बयान की है कि पढ़ना तो अपनी जगह है लेकिन पढ़कर सुनाना असल खूबसूरती इसी में है बहुत खूबसूरत आगाज होता है कि कुरान को सुनो कुरान को सीखो कुरान को पढ़ो पढ़ सुनाइए जो वही किया गया आप को हुक्म दिया जा रहा है जो वही किया गया आपकी तरफ किताब से और क़ायम कीजिए नमाज क्योंकि नमाज रोकती है बेहयाई से अनिल इवल मुनकर यानी सेक्स से रिलेटेड फ़हश में आएगा वल मुनकर चोरी हो झूठ हो ये आएगा और अलबत्ता ज़िक्र है अल्लाह का ज़्यादा बड़ी चीज़ यानी अल्लाह को याद करना ये ज़्यादा सबसे बड़ी चीज़ है और अल्लाह जानता है जो तुम करते हो अब यहाँ पर देखिए लेकिन अगर नमाज के बावजूद हम बुराई से नहीं रुकते हैं इट मींस के हम सही नमाज नहीं पढ़ रहे नमाज़ को कायम करना है सिर्फ़ पढ़ना नहीं है और ना तुम बहस करो यानी तुम झगड़ा करो अहले किताब से मगर साथ तरीक़े से जो सबसे अच्छा है सिवाय उन लोगों के जिन्होंने जुल्म किया उनमें से और कहो ईमान लाए हम साथ उस चीज़ के जो उतारी गई हमारी तरफ और तुम्हारी तरफ और इला हमारा और इला तुम्हारा एक है और हम उसी के लिए बरदार हैं देखें यहाँ पर भी तोहद का जिक्र है और इसी तरह नाजिल की हमने आपकी तरफ किताब तो वो लोग दी हमने उनको किताब वो ईमान रखते हैं साथ उसके और उन लोगों में से जो ईमान रखता है साथ उसके और नहीं इनकार करते हमारी आयत का मगर काफिर लोग और ना थे तुम तुम पढ़ते इससे पहले कोई किताब यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे पहले कोई किताब का इल्म नहीं था आप अलैहि वसल्लम कुरान के नाजिल होने से पहले उम्मी थे मगर कुरान के नाजिल होने के बाद आपसे से बढ़कर कोई आलिम दुनिया में नहीं है ना रहेगा ना था और ना लिखते थे उसको अपने दाएं हाथ से तब अलबत्ता शक में पड़े पड़ जाते बातिल परस्त बल्कि वो आयात हैं यानी निशानियां हैं रोशन हैं उन लोगों के सीनों में जो दिए गए इल्म यानी अहल किताब और नहीं इनकार करते हमारी आयत का मगर जालिम और वो कहते हैं क्यों नहीं उतारी गई इस पर आयत यानी निशानियां मौजूदात इसके रब की तरफ से कह दीजिए बेशक आयत यानी निशानियां पास हैं अल्लाह के और बेशक मैं डर डराने वाला हूँ खुल्लम खुल्ला क्या भला नहीं काफ़ी उनको बेशक हम नाजिल किया हमने आप पर किताब को जो पढ़कर सुनाई जाती है उनको बेशक उसमें अलबत् रहमत है और नसीहत है उस कौम के लिए जो ईमान रखती हो कह दीजिए काफ़ी है अल्लाह ताला मेरे दरमियान और तुम्हारे दरमियान गवाह वो जानता है जो आसमानों में है और जो ज़मीन में है और वो लोग जो ईमान लाए बातिल के साथ अल्लाह के अलावा जिन जिन पर भी जो है सो ईमान लाए वो बातिल है यानी अल्लाह के अलावा किसी पर भी ईमान लाना वो बातिल है और उन्होंने कुफ़्र किया अल्लाह का यही लोग वो हैं नुक़सान उठाने वाले हैं वो और वो जल्दी मांगते हैं तो जिसे अजाब को और अगर ना हुई एक मियाद मुकर्रर अल्बत्ता आ जाता उनके पास अजाब और अल्बत्ता वो जरूर आएगा उनके पास अचानक और वो शूर ना रखते होंगे वो जल्दी मांगते हैं तुझसे अजाब और बेशक जहन्नुम अल्बत्ता घेरने वाली है काफिरों को जिस दिन धाम लेगा उनको उनके ऊपर से और उनके पाओं के नीचे से और वो कहेगा चखो जो थे तुम अमल करते ऐ मेरे बंदो वो जो ईमान लाए हो बेशक मेरी ज़मीन वसी है बस सिर्फ मेरी ही बस इबादत करो मेरी हर नफ्स चकने वाला है मौत फिर हमारे तरफ तुम सब लौटाए जाओगे और वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने अमल किए अच्छे अलबतः हम ज़रूर ठिकाना देंगे उनको जन्नत में से बाला खानों में से बाला खाने यानी ऊंचे ऊँचे बहती होंगी उनके नीचे से नहरें हमेशा रहने वाले उसमें कितना अच्छा है अजर उन अमल करने वालों का वो लोग जो सबर करते हैं और अपने रब पर भरोसा करते हैं यानी तवक्कल करते हैं यानी दिन पर अमल करते और सब्र करते हैं तो वो अल्लाह पर भरोसा करते हुए सब्र भी करते हैं और दीन पर अमल करते हैं और कितने ही जानवरों में से नहीं उठाए हुए होते अपना रिस्क अल्लाह ताला रिस्क देता है उनको और तुमको भी देखिए गौर करिए कैसा जानवर परिंदों को जो है सो कैसा वो लोग रिस्क लेते हैं वो अल्लाह ताला ही देता है और हमारे पास भी जो रिस्क आता है वो अल्लाह ताला ही देता है और वो सुनने वाला है जानने वाला है और अलबत्त अगर सवाल करो तुम उनसे पूछो तुम उनसे किसने पैदा किया आसमानों को और ज़मीन को और मुश्क्र किया सूरज को और चांद को और अलबत्त वो ज़रूर कहेंगे अल्लाह ने तो कहाँ से वो फेरे जाते हैं अल्लाह ताला फैला देता है रिस्क को जिसके लिए वो चाहता है अपने बंदों में से और तंग कर देता है उसके लिए बेशक अल्लाह हर चीज़ को जानने वाला है रिस्क के लिए जो है सो परेशान नहीं होना है क्योंकि बस दीन का काम करें और उसके लिए परेशान हो रिस्क के पीछे भागने की जरूरत नहीं है रिस्क के लिए परेशान भी नहीं होना है क्योंकि रिस्क देने वाला अल्लाह ताला है जब जानवर को रिस्क देता है तो अल्लाह ताला इंसान को भी रिस्क देता है यहाँ पर वही बात बताई जा रही है और अलबत्तः अगर तुम पूछो उनसे किसने नाजिल किया आसमान से पानी फिर जिंदा किया साथ उसके ज़मीन को उसकी मौत के बाद अलबत् वो ज़रूर कहेंगे अल्लाह कह दीजिए सब तारीफ अल्लाह के लिए है बल्कि अक्सर उनमें से नहीं अमर अक्ल रखते और नहीं ये दुनिया की ज़िंदगी मगर दिल का बहलावा और खेल और बेशक घर आख़िरत का अलबतः वही है ज़िंदगी ज़िंदा रहने की जगह काश होते वो इल्म रखते फिर जब वो सवार होते हैं कश्ती में पुकारते हैं अल्लाह को खालिस करने खालि करने वाले उसके लिए यानी जब कश्ती में सवार होते हैं जब ख़तरा महसूस होता तो अल्लाह को खालिस करते हुए पुकारते हैं खालिस करने वाले उसके लिए दीन को तो जब वो नजात देता है तरफ खुशकी के अचानक वो शिरक करने लगते हैं ताकि वो ना शुक्री करे इस चीज़ की जो दी हमने और ताकि वो फ़ायदा उठा ले पस अनखरी वो जान देंगे क्या भला उन्होंने देखा नहीं बेशक बनाया हमने हरम को अमन वाला उचक लिए जाते हैं लोग उनके आसपास से क्या भला सात बातिल के वो ईमान लाएंगे और अल्लाह की नेमत का इनकार करते हैं और कौन बड़ा ज़ालिम है उससे जो घड़ते हैं अल्लाह पर कोई झूठ या झुटलाए हक़ को जबकि आ जाए उसके पास क्या नहीं जहन्नुम में ठिकाना काफिरों के लिए और वो लोग जो जद्दोजहद करें हमारी राह में अलबत्त हम ज़रूर रहनुमाई करेंगे उनकी अपने रास्तों की और बेशक अल्लाह ताला अल्बत्ता साथ है एहसान करने वालों के देखिए अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं जो जद्दोजहद करे उनको जो है सो अल्लाह ताला रास्ता दिखाएगा तो खुद कोशिश करता है जो ख़ुद कोशिश करता है तो अल्लाह उन्हीं को रास्ता दिखाता है बस कोशिश ही नहीं करे बस अल्लाह ताला हमको रास्ता दिखाए ऐसा नहीं होता कोशिश करना है तो यहाँ पर अल्लाह ताला ख़ुद फरमा रहे हैं जो जद्दोजहद करे यानी जो भी कोशिश करे हमारी राह में अलबतः हम ज़रूर रहनुमाई करेंगे देखे कितना अच्छा आसान तरीक़ा अल्लाह ताला, ताला बता दिए कि जो भी मेहनत करेगा अल्लाह की राह में और अपने रास्तों की तो बेशक अल्लाह जो है सो उसको रास्ता दिखाएगा तो अल्लाह ताला हमको जो है सो कोशिश करने वाला बनाए और अल्लाह ताला हम सब को हिदायत की तोफ़ी हजी मत फ़रमाएँ अब सोर रोम सुर उसका मतलब यह है कि रोम रोम है यानी अहल रोम कौन थे क्रिश्चियंस थे उस टाइम पे जो है सो दो सुपर पावर थे एक तो रोमन्स और एक पर्शियंस तो क्रिश्चियंस अहले किताब है तो मुसलमानों की हमदर्दियाँ जो है सो ज़्यादा अहल किताब के साथ थी और कुफार की पर, पर्शियंस के साथ थी क्योंकि वो आग की इबादत करते थे तो एक जंग में रोमस की हार हुई तो की ने मक्का क्या हुए बहुत खुश हुए तो मुसलमानों को जो है सो गम हुआ मुश्रक़िन कहने लगे जैसे रोमन्स की हार हुई वैसे मुसलमानों की भी हार होगी तो यहाँ पे अल्लाह ताला आयत नंबर टू में अल्लाह ये बता रहे हैं कि ये हार तो ट्प्रेरी है और इन फ्यूचर जो है सो मुस्तबिल में जो है सो वो वो लोग जीतेंगे ये खुशखबरी अल्लाह ताला पहले से दे रहे हैं फिर बाद में क्या हुआ जंग बदर की फतह हुई उसी दिन रोमन्स की भी फतह हुई थी पर्शियंस के ऊपर तो वही बात यहाँ पर बताई जा रही है बिसमिल्लर अलिफ लाम मीम ये हरूफ मक़्यात है मगलूब हो गए रोमी यानी हार गए रोम तो करीब की ज़मीन में मक्का के जो करीब है दमश का एरिया जंग हुई तो वहाँ पर हार हुई और वो अपनी मकलूबियत के बाद से अन वो गालिब आएँगे यहाँ पर यानी अब अल्लाह ताला यहाँ पर पहले से ही खुशखबरी दे रहे हैं चंद सालों में अल्ला ही के लिए है इख्तियार इससे पहले और इसके बाद ये कि क्रिश्चियंस जीतेंगे ये अल्लाह के हाथ में हैं और इसके और उस दिन खुश हो जाएंगे मोमिन क्योंकि उनकी हमदर्दियाँ क्रिश्चियंस के साथ थी तो वो खुश हो गए हो जाएंगे ये बता रहे हैं मदद के साथ अल्लाह की मदद करता है जिसकी चाहता है और वो ज़बरदस्त है रहम फरमाने वाला है अल्लाह की मदद सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त है बस जिसकी चाहता है अल्लाह ताला मदद करता है अल्लाह का वादा है नहीं खिलाफ़ करेगा अल्लाह अपने वादे का लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते वो जानते हैं जाहरी पहलू जो नज़र आ रहा है वो जानते हैं दुनिया की ज़िंदगी का और वह आकर से वो गाफिल है क्या भला नहीं उन्होंने ग़ौर वफ़िक्र किया अपने नफ्सों में नहीं पैदा किया अल्लाह ने आसमान को ज़मीन को और जो उन दोनों के दरमियान है मगर हक़ के साथ और एक मुकर मुद्दत तक के लिए और बेशक बहुत से लोग बहुत से लोगों में से सात मुलाकात के अपने रब की अलबतः इनकारी है क्या भला नहीं वो चले फिर ज़मीन में तो वो देखते किस तरह हुआ अंजाम उन लोगों का जो उनसे पहले थे और थे ज़्यादा शदीद यानी ज़्यादा ताकतवर उनसे क़ुवत में और उन्होंने खोदा ज़मीन को और आबाद किया उसको ज़्यादा यहाँ पर खोदने की बात क्यों हुई एग्रीकल्चर हो या कंस्ट्रक्शन खोद कर ही करेंगे ज़मीन को खोद कर डेवलपमेंट होता है क्योंकि जब ज़मीन खोदते हैं फिर एग्रीकल्चर होता है फिर कंस्ट्रक्शंस होता है तो इससे डेवलपमेंट होता है है ना तो उससे जो उन्होंने आबाद किया उसको आए उनके पास उनके रसूल साथ रोशन दलाइल के तो ना था अल्लाह के जाहिर करता उन पर लेकिन थे वो अपनी जानों पर वो जुल्म करते फिर हुआ अंजाम उन लोगों का जिन्होंने बुरा किया बहुत बुरा कि उन्होंने छुटलाया अल्लाह की आयत को और थे वो साथ उनके मजाक उड़ाते अल्लाह तला इब्तदा करता है तख्लीक़ की फिर इरादा करता है उसका फिर उसकी तरफ तुम लौटाए जाओगे और जिस दिन क़ायम होगी क़्यामत ना उम्मीद हो जाएंगे मुजरिम मुजरिम यानी क़ानून के ख़िलाफ़ जाना जो लोग कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ जाएंगे तो वो मुजरिम होंगे और ना होंगे उनके लिए उनके शरीकों में से सिफ़ारशी और वो हो जाएंगे साथ अपने शरीकों के इनकारी यानी वो मुनकर हो जाएंगे और जिस दिन क़ायम होगी क़यामत उस दिन वो जुदा जुदा होंगे तो रहे वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने अमल किए और उन्होंने अमल किए अच्छे तो वो एक बाग में खुश वुर्रम कर दिए जाएंगे और रहे वो जिन्होंने कुफ़्र किया और जुटलाया हमारी आयत को और आखिरत की मुलाकात को तो यही लोग अजाब में हाजिर रखे जाएंगे जो अमल अच्छे करेंगे उनके लिए बाग़ात है और जो बुरे अमल करेंगे उनके लिए अजाब है तो पाक है अल्लाह जब तुम शाम करते हो और जब तुम सुबह करते हो और उसी के लिए है तारीफ आसमानों में और ज़मीन में और तीसरे पहर और जिस वक्त तुम जहर करते हो और वो निकालता है ज़िंदा को मुर्दे से और वो निकालता है मुर्दा को जिंदे से और ज़िंदा करता है ज़मीन को उसकी मौत के बाद और उसी तरह तुम सब निकाले जाओगे और उसी की निशानियों में से है कि उसने पैदा किया तुमको मिट्टी से फिर जब तुम इंसान हो फैलते जले जा रहे हो और उसकी निशानियों में से है कि उसने पैदा किया तुम्हारे लिए तुम्हारे नफ्सों से जोड़े ताकि तुम सुकून पाओ उनकी तरफ और उसने डाल दी तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत बेशक उसमें अलबा निशानियाँ हैं उन लोगों के लिए जो ग़ौर फिक्र करते हैं देखिए अल्लाह ताला हर जगह ये फरमा रहे हैं जो ग़ौर फिक्र करते हैं तो हमको हर चीज़ पे गौर वो फिक्र करनी चाहिए ग़ौर फिक्र करने से तदब्बर करने से अल्लाह की मारफ़त पैदा होगी और उसकी निशानियों में से हैं पैदाइश आसमानों और ज़मीन की और इख्तलाफ़ तुम्हारे ज़बानों का और तुम्हारे रंगों का देखिए यहाँ पर भी एक बड़ी निशानी है हमारी ज़बानें लैंग्वेज़ देखिए कैसे अलग अलग है हमारे रंग भी अलग अलग है हालांकि स्किन कलर सिर्फ दो कलर्स बोलते हैं एक वाइट और एक ब्लैक लेकिन उसमें भी कितना फ़र्क है गौर व फ़िक्र करने से कई बातें समझ में आती है और अल्लाह की मारिफत भी हमको होती है यानि अल्लाह की पहचान और उसकी बड़ाई करना और उसकी तस्वीर करने में हमको यानि अल्लाह से मोहब्बत पैदा होगी बेशक इसमें अलबत् निशानियाँ हैं इल्म वालों के लिए तो इल्म हासिल करने से भी हमको ये सारी चीज़ें पता चलती है ग़ौर फिक्र करने से भी हमको अल्लाह की मारफत होती है और इसकी निशानियों में से है सोना तुम्हारा रात को और दिन को और तलाश करना तुम्हारा इसके फ़जल में से यकीनन इसमें अलबा निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो सुनते हैं तो क्या हम सुनते हैं या नहीं सुनते गौर करना है यहाँ पर चेक करना है अपने आप को और उसकी निशानियों में से है कि वो दिखाता है बिजली तुमको खौफ के साथ उम्मीद के साथ और वो उतारता है आसमान से पानी फिर वो ज़िंदा करता है साथ उसके ज़मीन को और उसकी मौत के बाद यकीन इसमें अलबत् निशानियां हैं इस कौम के लिए जो अकल रखती है और उसकी निशानियों में से है कि कायम है आसमान और ज़मीन साथ उसके हुक्म के फिर जब वो पुकारेगा तुमको पुकारना और ज़मीन में से तब तुम तुम निकलोगे और उसके लिए जो भी आसमानों में हैं और जो ज़मीन में है सब के सब उसी के लिए फरमाबरदार हैं यानी अल्लाह ताला ही की फरमाबरदारी करते हैं ज़मीन और आसमान तो हमको भी चाहिए कि हम अल्लाह ताला की फरमाबरदारी करें और वो अल्लाह वो ज़ात है जो जो इब्तदा करता है तख्लीफ की फिर वो लौटा लौटाएगा उसको और वो ज़्यादा आसान है उस पर और उसी के लिए है सबसे बुलंद मिसाल आसमानों में और ज़मीन में और वह ज़बरदस्त है हमत वाला है उसने बयान कि तुम्हारे लिए एक मिसाल तुम्हारे नफसों में से क्या तुम्हारे लिए इसमें से जो मालिक है तुम्हारे दाएं हाथ कुछ शरीक है इसमें से जो रिस्क दिया हमने तुमको तो तुम उसमें बराबर हो तुम डरते हो उन से डरना तुम्हारे अपने नफसों से यानी अपने जैसों से इसी तरह हम खोल कर रखते हैं आयत उन लोगों के लिए जो अकल रखती है बल्कि पैरवी की उन लोगों ने जिन्होंने ज़ुल्म किया अपनी ख्वाहिशात की बगैर इल्म के तो कौन हिदायत दे सकता है जिसको गुमराह कर दे अल्लाह अल्लाह ताला अगर किसी को गुमराह कर दे तो कोई हिदायत दे सकता कोई नहीं दे सकता अल्लाह के सिवा कोई हिदायत नहीं दे सकता जिसको गुमराह कर दे अल्लाह और नहीं उनके लिए एक मददगारों में से कोई मदद करने वाला भी नहीं है अगर अल्लाह गुमराह कर दे अल्लाह ताला हमको जो है सो हिदायत याफ्तः लोगों में सीधा रास्ता दिखाए और हिदायत पर क़ायम रखे पस कायम रखो अपने चेहरे को दीन के लिए एक सू होकर यानी इब्राहिम सलाम की तरह एक सू होकर रहना है सिर्फ अकेले अल्लाह की इबादत करना है और अल्लाह ही की तरफ होकर यानि तोहेद पर क़ायम रहना है अल्लाह की फितरत को जो अल्लाह की फितरत को वो जो उसने पैदा किया लोगों को उस पर नहीं है कोई तब्दीली नहीं बदलना अल्लाह की साख्त के लिए यही दीन है दुरुस्त लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते रुजू करते हुए तरफ उसकी और डरो उससे और कायम करो नमाज और ना तुम हो जाओ मुशरक़ों में से देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं नमाज़ को कायम करना है अगर नमाज छोड़ेंगे तो मशरकों में से होंगे यानी काफिरों में से हो जाएंगे तो मशरकों में से नहीं बनने की बात हो रही है यहाँ पर यहाँ पर वही बता बताया जा रहा है कि अल्लाह की तरफ़ रुजू हो और उसी से डरो और कायम करो नमाज़ यानी अल्लाह से डरना है और उसी की तरफ़ पलटना है और अल्लाह से ताल्लुक़ बनाना है और अल्लाह के लिए ही नमाज पढ़ना है और मुशरिकों में से नहीं होना है उन लोगों में से जिन्होंने टुकड़े टुकड़े कर दिया अपना दीन और हो गए गिरो गिरो हर गिरो साथ इसके जो उनके पास है वो खुश है या यानी गिरोह में तकसीम नहीं होना है एक होकर रहना है मुसलमान पूरे एकजुट होकर रहना है और जब छू जाती है लोगों को कोई तकलीफ वो पुकारते हैं अपने रब को रुजू करते हुए इसी की तरफ फिर जब वो चकाता है उनको अपनी जानिब से रहमत अचानक एक गिरोह उनमें से अपने रब के साथ शरीक ठहराते हैं जब भी कोई तकलीफ़ होती परेशानी होती अल्लाह की तरफ रुजू करते फिर जहाँ से वो परेशानी हट जाती अल्लाह की रहमत आती तो फिर वो जो, फिर जो है सो शिर करने लगते तो इस तरह से नहीं करना है ताकि वो ना शुक्री करे साथ उसके जो अता किया हमने उनको और फ़ायदा उठा लो मज़े कर लो तो अनकरीब तुम जान लोगे अल्लाह ताला बार बार फरमा रहे हैं अनकरीब तुम जान लोगे क्या उतारी हमने उन पर एक दलील तो वो बयान करती है साथ उसके जो थे वो साथ उसके शरीक ठहराते और जब चखाते हैं हम लोगों को रहमत खुशी खुश हो जाते हैं साथ उसके और अगर पहुंचती है उनको कोई मुसीबत बेवजह इसके जो आगे भेजा उनके हाथों ने अचानक तब तो वो मायूस होने लगते हैं क्या भला उन्होंने देखा नहीं बेशक अल्लाह फैलाता है रिस्क जिसके लिए चाहता है और अंदाज़े से देता है बेशक उसमें अलबत्तर निशानियाँ हैं उन लोगों के लिए जो ईमान रखते हैं अल्लाह ताला फरमा रहे हैं तो दो खराब खराबत दारों को उसका हक़ और मस्किनों को और मुसाफिरों को ये बात बेहतर है उन लोगों के लिए जो चाहते हैं अल्लाह की खुशनुदी और यही लोग हैं वो जो फला पाने वाले हैं फला पाना है तो मस्किन और मुसाफिर और क़ुरबतदार उन सब का जो है सो हक़ अदा करो और जो दो तुम सूद में से ताकि वो बढ़ जाए मालों में लोगों के बस नहीं वो बढ़ता अल्लाह के नज़दीक यानी अल्लाह के नज़दीक सूद नहीं बढ़ता समझते हैं कि हम दुनिया में सूद देंगे तो माल सूद लेंगे तो माल बढ़ेगा नहीं अल्लाह के नज़दीक वो नहीं बढ़ेगा और जो दो तुम जकवात में से तुम चाहते हो अल्लाह की रज़ा तो यही लोग हैं वो जो बढ़ाने वाला है यानी जकवात अल्लाह की राह में जो देगा वो बढ़ेगा मगर सूद नहीं अल्लाह वो ज़ात है जिसने पैदा किया तुमको फिर उसने रिस्क दिया तुमको फिर वो जिंदा करेगा तुमको क्या तुम्हारे शरीकों में से कोई है जो करे इसमें से कोई चीज़ यानी क्या शरीक है ये जो चीज़ अल्लाह ताला रिस्क दे रहा है और पैदा किया क्या ये शरीक करेंगे कोई भी चीज में की? नहीं कर सकते पाक है वो और बुलंदर है उससे जो शरीक ठहराते हैं अल्लाह ताला के साथ जो शिरक करते हैं शरीक ठहराते हैं अल्लाह इन सब चीज़ों से पाक है और वो बुलंद है ज़ाहिर हुआ फसाद खुशकी में और समंदर में बवजह इसके जो कमाई की लोगों के हाथों ने ताकि वो चकाए इनको बाज वो चीज़ जो उन्होंने अमल की है ताकि वो यानी शायद के वो लौट आए यानी बाज आ जाए कह दीजिए चलो फिरो ज़मीन में फिर देखो किस तरह हुआ अंजाम उन लोगों का जो उससे पहले थे उनमें से अक्सर मुशरिक यानि मुशरिकों का कैसा हाल हुआ अंजाम हुआ देखो जाकर चलो फिर ज़मीन में जाकर देखो कि कैसा उनका अंजाम हुआ तो जमा दो अपने चेहरे को यानि अपने रुख को दुरुस्त दीन के लिए उससे पहले के आ जाए वो दिन नहीं टलता यानी नहीं फेरा जाता यानी अपने दिन को दुरुस्त कर लो उससे पहले के मौत आ जाए क़यामत आ जाए तो वो दिन नहीं टलेगा नहीं फेरा जाएगा वो तो आकर ही रहेगा उसके लिए अल्लाह की तरफ से उस दिन वो मुतफरक हो जाएंगे जिसने कुफ्र किया तो उस पर है कुफ्र उसका अगर कुफ्र करेंगे तो वो कुफ़्र उसी का होगा और जिसने अमल किए नेक तो वो अपने नफ्सों के लिए रह हमवार कर रहे हैं ताकि वो जजा दे उन लोगों को जो ईमान लाए और उन्होंने अमल किए अच्छे अपने फ़जल से बेशक वो नहीं पसंद करता काफिरों को अल्लाह ताला काफिरों को पसंद नहीं करता और उसकी निशानियों में से है कि वो भेजता है हवाओं को खुशखबरी देने वालियाँ और ताकि वो चखाए तुमको अपनी रहमत में से और ताकि चले कश्तियाँ उसके हुक्म के साथ अब यहाँ पर देखे और ताकि तुम तलाश करो उसके फ़जल को और ताकि तुम शुक्र अदा करो और ये जो कश्तियाँ चलती है समंदर में तो वो हवाओं के ज़रिए से अल्लाह ताला हवाओं को भेजता है तो कश्तियाँ समंदर में चलती है और समंदर में जब कश्तियाँ चलती है तो देखिए कश्तियों में यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ पूरा जो गुड्स सप्लाई होता तो यानी उसे हम उसके फ़जल तलाश करते तो फिर शुक्र भी अदा करना है अल्लाह ताला का कि हम यहाँ से वहाँ रोज़गार भी तलाश करते हैं और उससे जो है सो हम फ़ायदा उठाते हैं और अलबत्तः तहकीक भेजा हमने आप से पहले कई रसूलों को तरफ उनकी कौम के तो वो लाए उनके पास रोशन दलाए तो इंतकाम लिया हमने उन लोगों से जिन्होंने हाँ जुर्म किया और था हक़ हमारे ज़िम्मे मदद करना मोमिनों की तो अल्लाह ताला का हक है कि मोमिन की जो है सो मदद करना और अल्लाह वो ज़ात है जो भेजता है हवाओं को तो वो उठाती हैं बादल फिर वो फैला देता है इसको आसमान में जिस तरह वो चाहता है और वो कर देता है उनको टुकड़ियों में तो तुम देखते हो बारिश को निकलती है उसके अंदर से फिर जब वो पहुँच पहुंचाता है उसको जैसे वो चाहता है अपने बंदों में से तब वो खुश हो जाते हैं देखिए ये कैसा यहाँ पर पूरा अल्लाह ताला एक एक चीज़ बताए कैसा हवाएं उठाती है कैसा पानी आसमान से जो है सो पानी आता है ये सा बारिश कैसे निकलती ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है सो अल्लाह ताला यहाँ पर दे रहे हैं और बेशक थे वो उससे पहले के उतारी जाए उन पर उससे पहले अलबत् मायूस होने होने वाले तो देखो तरफ आसार अल्लाह की रहमत के किस तरह वो जिंदा करता है ज़मीन को उसकी मौत के बाद बेशक वो अलबत् ज़िंदा करने वाला है मुर्दों को और वो हर चीज़ पर ख़ादिर है अल्लाह ताला हर हर वो चीज़ पर कार है और अलबत्त अगर भेजे हम हवा को फिर वो देखे जर्द अलबत्त हो जाए वो उसके बाद कुफ्र करते बस बेशक आप नहीं सुनवा सकते मुर्दों को और ना आप सुनवा सकते हैं बहरों को पुकार जब वो मुंह मोड़ जाएं पीठ फेरते हुए और नहीं आप रहनुमाई करने वाले अंधों की उनकी गुमराही से नहीं आप सुनवा सकते मगर जो ईमान रखता है हमारी आयत पर फिर वो मुसलमान हो यानी सर तस्लीम कर देंगे वो और अल्लाह वात है जिसने पैदा किया तुमको कमज़ोरी से फिर उसने बनाया उस आ, उसने बनाया कमज़ोरी के बाद को फिर बनाया उससे क़वत के बाद कमज़ोरी को और बु, और बुढ़ापा वो पैदा करता है जो वो चाहता है और वही जानने वाला है क़ुदरत रखने वाला है देखिए यहाँ पर भी कितनी बड़ी निशानी है अल्लाह ताला जैसे कमज़ोर इंसान रहता जब पैदा होता तो कितना कमज़ोर होता फिर उसको जो सो उसकी कमज़ोरी को दूर करके फिर क़ोत वाला यानी फिर बड़ा करता है फिर वो क़ुत देता है फिर वो कमज़ोरी को दूर करता है फिर से वो कमज़ोर हो जाता है बुढ़ापे में और फिर वो पैदा करता है जैसा वो चाहता है वो पैदा करता है ये सब चीज़ों को पैदा करने की क़ुदरत सिर्फ़ अल्लाह के पास है किसी के पास नहीं है अल्लाह ताला की क़ुदरत किसी के पास नहीं है सिर्फ वही खुदरत रखता है और वही हर चीज़ पर खादिर है और जिस दिन कायम होगी क़यामत कसमें खाएंगे मुजरिम नहीं वो ठहरे सिवाय एक घड़ी के उसी वक्त थे वो फेरे जाते यानी जब उस दिन मुजरिम कहेंगे कि हम दुनिया में सिर्फ एक घड़ी ही ठहरे नहीं और खसमे भी खाएंगे और कहा उन लोगों ने जो दिए गए इल्म और ईमान अल्बत्ता तहकीक ठहरे हो तुम अल्लाह के नौशते में क़यामत के दिन तक तो ये दिन है क़यामत का लेकिन तुम थे तुम इल्म ना रखते तो उस दिन ना नफ़ा देगा उन उन लोगों को जिन्होंने किया उनकी माजरत और ना वो यानी जब उस दिन माजरत चाहेंगे तो भी वो, कुछ फ़ायदा नहीं हो और ना वो तौबा कबूल किए जाएंगे उस वक्त ना तौबा काम आएगी ना माजरतें काम आएगी और अलबत्तः तहक़ीक़ बयान किया हमने लोगों के लिए उस कुरान में कुरान हर तरह की मिसालों को और अलबत्तः अगर लाओ तुम उनके पास कोई निशानी अलबत्त ज़रूर कहेंगे वो लोग जिन्होंने कुफ़्र किया नहीं तुम मगर बादतिल परस्त यानी बातिल पर हो इसी तरह मुहर लगा देता है अल्लाह ऊपर उन लोगों के उनके दिलों के जो इल्म नहीं रखते बस सबर कीजिए बेशक वादा अल्लाह का सच्चा है और हर किस ना हल्का पाए तुझको वो लोग जो यकीन नहीं रखते सूरह लकमान ये मक्की सूरत है बसमिल्ल रन रही मीम ये आयत है किताब हकीम की बास हिदायत और रहमत मोहसिन के लिए वो जो क़ायम करते हैं नमाज़ और अदा करते हैं ज़कात और वो सात आख़िरत के वो यकीन रखते हैं आ, ये पूरे जो है सो अगले पूरे रुकू में जो है सो तकरीबन रुकमान की नसीहतें हैं अपने बच्चों के लिए तबलीग की बहुत खूबसूरत हिकमत है तो सबसे पहले बच्चों को शुक्र सिखाएं क्योंकि हिकमत का तकाजा है कि जहाँ पर शिक्र होता है वहाँ शर्क नहीं होता तो मुशरिक तो है ही ना शुक्र शख्स तो बच्चों की तरबियत में पेरेंटिंग में इनायतों को बुनियाद बनाकर कर जो है सो हम पेरेंटिंग कर सकते हैं इसमें ए टू जी पूरा सीक्वेंस में देखें यही लोग हिदायत पर हैं अपने रब की तरफ से और यही लोग वो है जो फला पाने वाले हैं और, और लोगों में से कोई वो है जो खरीदता है लहवल हदीस यानी दिल फरेब कलाम ताकि वो भटकाए अल्लाह के रास्ते से बग़ैर इल्म के और बना ले उसको मज़ाक यही लोग उनके लिए अजाब है रुसवा करने वाला जलील करने वाला लहवल हदीस क्या है अल्लाह ताला के पाक कलाम को सुन सुनकर उससे जो है सो नफ़ा हासिल नहीं कर, करना उसके बजाय गाने सुनना म्यूज़िक सुनना और जो मकसद से फेर दे वो जो है सो लहवल हदीस में आएगा यानी हमारा मकसद क्या है अल्लाह की इबादत अल्लाह ताला ने इंसान को किस मकसद के लिए पैदा किया अगर उस मकसद से हमको फेर दे वो चीज़ जो भी चीज़ हो उस मकसद से फेर दे तो वो लहवल हदीस में आएगा और जब पढ़ी जाती है उस पर हमारी आयत रुख फेर लेता है तकबर करते हुए गोया कि नहीं उसने सुना उनको गोया कि उसके दोनों कानों में बोझ है तो खुशखबरी दे दो उसको अजाब की दर्दनाक अल्लाह ताला हमको ऐसी चीज़ों से महफूज रखे बेशक वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने अमल किए अच्छे उनके लिए बागात है नहमतों वाले हमेशा रहने वाले हैं उनमें वादा है अल्लाह का सच्चा और वो ज़बरदस्त है हिकमत वाला उसने पैदा किया आसमानों को बग़ैर सतूनों के तुम देखते हो उनको देखे यहाँ पर भी ग़ौर करिए किस तरह से अल्लाह ताला ने बग़ैर सतूनों के आसमान को बनाया और उसने डाल दिए ज़मीन में पहाड़ के ढलक जाएगी तुमको लेकर साथ तुम्हारे और फैला दिए हैं उसमें हर क़स्म के जानदारों में से और नाजिल किया हमने आसमान से पानी फिर उगाए हमने उसमें हर क़स्म के हर कस्म के जोड़े उमदा ये है तख्लीक़ अल्लाह की तो दिखाओ मुझको क्या कुछ पैदा किया लोगों ने जो उसके सिवा है के लोग खुली गुमराही में हैं और अलबत्त तहक़ीक दी हमने लुकमान को हमत के शुक्र अदा करो अल्लाह के लिए और जो शुक्र अदा करेगा तो बेशक शिक्र अदा करेगा अपने ही नफ्स के लिए और जिसने ना शुक्री की तो बेशक अल्लाह ताला बेनियाज है तारीफ वाला है अल्लाह को क्या ज़रूरत है अल्लाह के पास तो ख़ाने हैं तो ज़रूरत तो हमको है शुक्र अदा करेंगे तो हमारे लिए है और ना शुक्री करेंगे तो अल्लाह तुम इस चीज़ से बेनियाज है और जब कहा लकमान ने अपने बेटे से और वो न, नसीहत कर रहा था उसको अए मेरे बेटे ना तो शरीक ठहरा अल्लाह के साथ क्योंकि शिरक जुल्म है बड़ा यानी शिरक सबसे बड़ा जुल्म है और ताकिद की हमने इंसान को अपने वालदेन के साथ उठाया उसको उसके माँ ने कमज़ोरी के साथ ऊपर कमज़ोरी के और दूध छुड़ाया उसका दो साल में हुआ कि शुक्र अदा करो मेरे लिए और अपने वालदेन के लिए मेरी तरफ़ लौटना है देखिए यहाँ पर अल्लाह ताला अपने साथ साथ वालदेन का जिक्र किया है यानी साथ में ही किया है क्योंकि अल्लाह ताला जानता है वालदेन के क्या है तो वालदेन के मुकाम को तो यहाँ पर जाहिर किया गया है कि तो अल्लाह ताला, ताला, ताला अपने साथ वालदे का भी जिक्र किया है وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى وتهبني الدرجات العليا يا ذا المنة يا رب